हेलो दोस्तों, आइए आज चाइनीज़ पैनकेक बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और विंटर सीजन का ये बहुत ही लाजवाब डिश है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। टेंडर हरी प्याज को बारीक चॉप करके एक प्याले में रख लें, लगभग 3-4 टेबल स्पून। साथ ही 2 टेबल स्पून मैदा ले लें, स्वाद के अनुसार चुटकी भर नमक ले लें और इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मिलाकर इसकी एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हमें पराठे की लेयर्स के ऊपर स्प्रेड करना होगा ताकि लेयर्स अच्छी तरह एक दूसरे से अलग अलग हो सके। तो इस पेस्ट को बनाकर एक तरफ रख लें। अब 150 ग्राम मैदा में थोड़ा सा नमक मिला लें और इसे खौलते हुए गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लें। अब 150 ml हॉट वाटर मिलाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा तैयार हो चुका है। इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है और अगर ज़रूरत हो तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना है। 5 मिनट तक गूंथने के बाद ये इस तरह का सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। दस मिनट के बाद इस तरह का आटा तैयार है। तो अब इसकी 3 लोइयां रेडी है और ये आटे वाला मिक्सचर भी तैयार है। इसमें एक चुटकी नमक डाल लेना है और ये हरी प्याज है। तो मैंने यहाँ पर सूखे आटे की मदद से लगभग 10 इंच डायमीटर का एक बड़ी सी चपाती तैयार कर लिया है। अब इस पर इस गाढ़ी पेस्ट को फैला लेना है। अब इसके बाद हमें रोटी के ऊपर कटी हुई प्याज की लेयर को फैला देना है। देखने में ये लगता है कि इसकी वजह से पराठे फट जाएंगे, लेकिन हरी प्याज बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसके स्टफिंग करने से पराठे में कोई रुकावट नहीं आता। फिर हम इसे लपेटते हुए रोल कर लेते हैं और ऊपरी सिरे को एक बार फिर से चपटा कर लेना है और इसके ऊपर मैदे वाली वही पेस्ट को स्प्रेड कर देना है ताकि दोबारा से इसको रोल करके इसमें लेयर बनाई जा सके। बेसिकली देखें तो अपने मुगलई पराठे जैसा है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमें हरी प्याज को स्टफ़ करना पड़ता है और इसे हमने गर्म पानी से गूंथा है। यहाँ पर मैंने लगभग 8 इंच डायमीटर का ये चपाती तैयार कर लिया है। अब एक पैन को मैंने गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैंने इस केक को डाल दिया है, पैनकेक को। अब इसे धीमी आंच पर पकाना है। जैसे ही एक तरफ लाइट ब्राउन सा हो जाए हम इसे पलट लेंगे। इसे थोड़ा क्रिस्प और कुरकुरा करने के लिए तेल या बटर डालें। तो दोस्तों, जैसे ही जाड़े में हरी प्याज आए आप पराठे की इस वैरायटी को जरूर बना के देखें। अगर हम इसे किसी भी करी के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। पनीर के साथ खा के देखें, शाही पनीर के साथ या चिकन कढ़ाई के साथ या सिंपल दाल के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसे नाम से तो हम चाइनीज़ स्केलियन पैनकेक से जानते हैं, लेकिन अपना देसी पराठा भी इसी के आसपास का होता है। ये ज़्यादा सॉफ्ट और होता है और इसकी लेयर बहुत ही क्रिस्प बनती है। बेसिकली बाहर से ये क्रिस्प होता है और अंदर से बहुत ही मोइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो किसी भी करी के साथ इसका पेयर बहुत ही लाजवाब लगता है।
चाहे ये वेज हो या नॉन वेज, उसके साथ खाएं गरम गरम, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे बनाएं, दोस्तों को इम्प्रेस करें, बच्चों को खुश करें, वीकेंड जम के मनाएं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।